नीट परीक्षा का रिजल्ट आते ही दरभंगा में शोर मच गया। शोर इस बात का है कि दरभंगा से भी टॉपर है, वह कोई और नहीं आपके समाज का बेटा माजिन मंजूर है, जिसने 720 में 720 अंक लाकर सबको हैरत में डाल दिया है। वहीं आपको बता दे कि माजिन मंजूर के साथ साथ ही एक नहीं बल्कि दो और छात्र छात्राओं ने 720 में 700 अंक प्राप्त किया है। वहीं इस खुशी में चंद्र प्रकाश ने अपने संस्था पर तीनों बच्चों को सम्मानित किया। वहीं सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि दरभंगा में रहकर यदि आपको नीट निकालना है तो मेडिका 30 से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। मेडिका 30 में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, जिससे हर बच्चा आसानी से नीट निकाल सकेगा। या आपका जो मेंटेलिटी है हमेशा कांस्टेंट बनाना चाहिए। आप अपने दिमाग को हमेशा एक जगह की तरफ फोकस रखिएगा, आप जरूर सक्सेस कीजिएगा, चाहे जो भी फील्ड में जाए। समझ रहे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बच्चों को कहीं जाना भी रहता है। हमारे बीच में है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है। बच्चों को हमेशा देखना चाहिए कि अपने लक्ष्य पे निगाह बनाए रखिए और जो है हमेशा मेहनत करते रहिए और हार मत मानिए। दरभंगा में कोई ऐसा विकल्प जहां बच्चे हैं ना इस तरह का प्रयास कर सकते हैं अच्छा रंग लाने का? दरभंगा में बहुत सारे विकल्प अब तो खुलने भी लगे हैं और पहले से भी हैं, जैसे यहाँ चंदू सर का कोचिंग है, मुजाहिद सर क्या, जैसे हम फिजिक्स पढ़े थे तो वहाँ भी अच्छा पढ़ाया जाता है 9-10 क्लास में, और एक तो मेडिकल 30 भी अभी चंदू सर वहीं पढ़ाते हैं। ये 3 जगह तो हम जानते हैं और भी खुल रहे हैं। हम एलन से पढ़े थे तो कोटा में, कोटा बेसिक इंस्टीट्यूट है कोचिंग के लिए, तो 11-12 वहीं से पढ़े थे। क्या नाम है पूरा? मेरा पूरा नाम माजिन मंसूर है। कितना अंक आया? हमको 720 है, 2020। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार दरभंगा। आज आपको सम्मानित किया गया है सर के द्वारा, क्या कहें? बस खुशी है उस लायक बन सके सर द्वारा सम्मानित किया जाए, और चाहते हैं कि और भी स्टूडेंट ऐसे आए मेहनत करें। छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि नीट थोड़ा हार्ड हो रहा है, टफ हो रहा है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, बस उम्मीदें नहीं छूटनी है, हम मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहिएगा, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मीर अब्बास। कितना में कितना होता है? 690। कहाँ घर को? क्या करिए, प्यार दबक। बच्चों को यही संदेश है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी में, लेकिन वो प्रॉब्लम तभी तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक वो सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो प्रॉब्लम कोई भी हो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अब बस उस पर मेहनत करना है, उसे डरना नहीं है। आपने किस तरह तैयारी की थी और कितना अंक आया? मैंने 2 साल एलन में तैयारी की थी, मतलब रोज़ क्लास जाना आना, सारी चीज़ों को पढ़ना, स्पेशली एनसीईआरटी पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर पूरा फोकस रखना, और ऐसे ही मैंने अपनी तैयारी को किया। आखिरी में जितनी बार रिवाइज करना, एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही पूरा फोकस रखना है 2 साल, और इससे नीट में अच्छे स्कोर आ जाएंगे। दरभंगा मुजाहिद सर का स्टूडेंट है, चंदू सर का स्टूडेंट है सर, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसी में आप भी चूज कर सकते हैं, और भी हो सकता है कोई टीचर्स हो, लेकिन आज के ऑनलाइन पढ़ाई बहुत हेल्प कर रही है, तो आप ऑनलाइन भी कोई चूज़ कर सकते हैं, और अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ है तो उससे पढ़ाई ईजी हो रही है, और इस वजह से कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ हो रहा है, तो अच्छी तैयारी रखनी होगी। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मरियम अमान है। कहाँ घर हो? बिहार दरभंगा। बहुत खुशी की बात है, ये लोगों ने दरभंगा से ही अपना ड्रीम को मजबूत किया था, और 9-10 से ही इन्होंने मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर दिया। इन्होंने 9th में ही आपको 11-12 का जितना बायोलॉजी होता है ख़त्म कर दिया था, 11th का सारा पढ़ाई, 12th का सारा पढ़ाई आपको यहीं दरभंगा में रह कर लिया था। एक माहौल में चले गए थे जहां माहौल में इसको अच्छी से तैयारी करने का मौका मिला, एक इन्वायरमेंट था कोटा में जहां पे इन्होंने अच्छे से तैयारी किया, और अपने आप और ज़्यादा पॉजिटिव रहा। जब शुरू से नाम नींव मजबूत हो जाए, इन लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया और इन्होंने ज़्यादा अच्छा कर दिया। सर, दरभंगा में बच्चों को अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कहें? नहीं, दरभंगा में विकल्प है, बस है ज़रूरत है जिज्ञासा और विश्वास का। आप जो बच्चे जो मेडिकल निकाला है, इन लोग की बदौलत ये लोगों ने अपने दरभंगा के नाम रोशन किया है, यहाँ के बच्चों में मोटिवेशन डाला है कि वो लोग चाहे तो अगर यहाँ से भी तैयारी करें तो हो जाएगा। एक मिथ है, मिथ अब टूट जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने ये साबित कर दिया 9th-10th की पढ़ाई से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और अब दरभंगा में कुछ अच्छे टीचर अगर आ जाए यहाँ भी अब बच्चे से रिजल्ट देने लगे।
इन लोग का भविष्य बहुत बेहतर हो, आगे और भी अच्छा नाम कमाए, पीजी में टॉप कर जाए, अपना ड्रीम को सक्सेस कर जाए और भी ज़्यादा दरभंगा के लोगों सेवा कर। सर देखा गया है कि आपके कोचिंग का कोई बैनर कहीं कुछ नहीं है, फिर भी बच्चों को आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या काम बोलता है, नाम तो बाद में आता है, काम बोला। बुधाई सर भी यही कहते कि आप अपना काम कीजिए, बाकी सब होती है सर, भरोसा था मुझे, मुझे लगता था कि कर पाऊँगा। सर आपकी इस संस्था से अब तक कितने बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं? इस बार तो लगभग 7 बच्चे हैं जो MBBS निकाल चुके हैं, इस बार कुछ प्राइवेट में भी जाएंगे, और अमूमन हर साल 2-4 बच्चे अपना निकालते हैं, पर प्योर कहा जाए तो ये लोग हैं जो इन्होंने 9-10 से यहीं से अपना पढ़ाई किया और यहीं से अपना सक्सेस रेट कम। एक लाइन में बच्चों को संदेश, बस अपने आप पर भरोसा रखिए, NCERT को पूरा पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब NCERT से ही लिंक होता है, और आप NCERT को अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ते हैं, आप जरूर सक्सेस। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुमार, चंदू बुला।